वर्ष 2018 के नवंबर माह में जब इमरान खान कुआलालंपुर पहुंचे तो उनका स्वागत किसी रॉक स्टार की तरह किया गया था। मतलब इमरान खान के यूएन के भाषण की अधिकांश बकलोली का महातिर मोहम्मद शुरुआत से ही समर्थक रहा है। महातिर राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं और 1981 से 2003 तक वे पहले भी सत्ता का स्वाद चख चुके थे, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों में उनकी आस्था बहुत छोटी है, इसलिए उन्हें पाकिस्तान का साथ ज्यादा सुकून देता रहा है। खास बात यह रही कि ये दोनों ही मुस्लिम देश हैं। यह महातिर मोहम्मद ही थे जिनके शासनकाल में पाकिस्तान मलेशिया के सबसे करीब आया। वर्ष 2007 के बीच में पाकिस्तान और मलेशिया में इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच जब मामला सख्त हुआ तो इमरान खान ने महातिर मोहम्मद को फोन किया। मलेशिया ने हर बार पाकिस्तान का साथ दिया है। 5 अगस्त को जब भारत ने जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को खत्म करने की घोषणा की तो महातिर उन राष्ट्र प्रमुखों में शामिल थे जिन्हें इमरान खान ने फोन करके समर्थन मांगा था। पाकिस्तान को समर्थन देने वाले देश की सूची में मलेशिया सबसे ऊपर था। यह वही मलेशिया था जो पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के साथ खड़ा था। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में भी मलेशियाई प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने कश्मीर का मुद्दा उठाया और भारत को घेरने की कोशिश की। यह भारत के लिए किसी झटके से कम नहीं था, लेकिन उस वक्त भारत एक एक देश की प्रतिक्रिया देख रहा था और मलेशिया व तुर्की जैसे देशों को माकूल जवाब देने के लिए अपनी नीतियां उसी वक्त से तैयार करना शुरू कर चुका था। अब भारत द्वारा मलेशिया को घुटनों पर लाने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। एक महीने पहले तक पाकिस्तान के साथ उछलने वाला मलेशिया अब ना उछल पा रहा है और ना संभल पा रहा है। मोदी की कूटनीति और उनका संदेश शायद महातिर मोहम्मद सुन नहीं पाए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे समस्याओं को न टालते हैं और न पालते हैं, बल्कि उसे जड़ से निकालते हैं। और मोदी ने मलेशिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर बिल्कुल सटीक जगह हथौड़ा चलाया है। दरअसल भारत मलेशिया के पाम तेल का सबसे बड़ा आयातक देश है। भारत पाम तेल के आयात और अन्य वस्तुओं के आयात को सीमित करने जा रहा है। 2019 के पहले 9 महीनों में भारत ने मलेशिया से 30,90,000 टन पाम ऑयल खरीदा है, लेकिन ताजा सूचना के अनुसार भारतीय रिफाइनर्स ने नवंबर और दिसंबर के लिए पाम ऑयल के लिए कोई ऑर्डर नहीं दिया है। भारत के इस रुख के बाद मलेशिया के हाथ पांव फूल गए हैं। भारत पाम तेल का सबसे बड़ा खरीदार होने के कारण मलेशिया की पाम इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित होगी। उम्मीद लगाई जा रही है कि इन इंडस्ट्री में से कुछ को ताले भी लग जाएंगे, लेकिन भारत के इस फैसले से इंडोनेशिया को बड़ा फायदा होने जा रहा है, क्योंकि इंडोनेशिया भी पाम तेल का बड़ा उत्पादक देश है। वर्ष 2018 के आखिर तक भारत इंडोनेशिया और मलेशिया से 90 लाख टन पाम ऑयल सालाना आयात करता रहा है। भारत में खाने में इस्तेमाल किए जाने वाले तेलों में पाम तेल का हिस्सा 2/3 है। अकेले मलेशिया से भारत हर महीने 4,33,000 टन पाम ऑयल आयात करता है। खास बात यह है कि पिछले साल जब महातिर की मलेशिया सत्ता में वापसी हुई तो वे फिर से पाकिस्तान के करीब चले गए, मगर 2003 के बाद से मलेशिया और भारत के संबंध इस दौरान बहुत मधुर रहे थे। मोदी सरकार के इस सख्त निर्णय के बाद मलेशिया में हलचल मच गई है। हर महीने भारत से अरबों डॉलर कमाने वाले मलेशिया की नींद उड़ चुकी है। मलेशिया समझ चुका है कि महातिर मोहम्मद की नीतियों का दुष्परिणाम अब वहां की अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ेगा। संभवतः महातिर को भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि मोदी सरकार इतना कठोर फैसला ले सकती है। भारत के पास पाम ऑयल आयात के लिए इंडोनेशिया का विकल्प है, मगर मलेशिया के पास हर महीने 40 लाख टन पाम ऑयल खपाने का कोई रास्ता नहीं है, यानी यह तेल मलेशियाई सड़कों पर ही बहाया जाएगा। हालांकि महातिर मोहम्मद कह रहे हैं कि वे द्विपक्षीय संबंधों की फिर से समीक्षा करेंगे, पर अब मामला हाथ से निकल चुका है। मलेशिया फिलहाल भारत के लिए एक समस्या है जिसे भारत पालने और टालने के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकता है। पाकिस्तान सही कहता है कि भारत 130 करोड़ लोगों की मार्केट है। कोई देश उसके खिलाफ अपने व्यापारिक हितों की वजह से बोलने का साहस नहीं कर सकता, मगर मलेशिया उफान पर था। उसने जिस पाकिस्तान के लिए ऐसी हिमाकत की उसका तो कुछ नहीं गया, बल्कि अपना ही बंटाधार कर लिया। पर सवाल यह भी है कि चीन के खिलाफ भारत ऐसे कदम
कब उठाएगा, क्योंकि मलेशिया और पाकिस्तान तो तालाब की छोटी मछलियां हैं। सबक तो असली मगरमच्छ को सिखाना जरूरी है, जनता इसी की प्रतीक्षा में है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।